क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर, जहां 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी तरह साफ हो जाएगा। महागठबंधन के 2 प्रमुख पार्टियां हैं। वही प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरे में लिया और कहा कि नीतीश के नेतृत्व में कोई भरोसा नहीं करता। बड़े भाई हैं, पार्टी में आना चाहें, संगठन में, गठबंधन में आना चाहें, ये तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है। लेकिन बड़े भाई है, राजनीतिक तौर पर सब दिन साथ रहे हैं, हम लोग साथ ही रहे। असल लोकल एक सवाल है कि यहाँ पे लोग चुनाव तो लड़ते हैं बड़ा तामझाम से, लोग लोकल बहुत लोग तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में टिकट बाहरी लोगों को मिल जाते हैं, बड़ा सवाल रहता है लोगों का। खबर मोतिहारी से है, जहां बजरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष विध्यांचल यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, ये लोकतंत्र का अपमान है। अडानी के घोटाले पर राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ बंद मानहानि का मुकदमा फिर से शुरू हो गया और राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी के खिलाफ सवाल उठाते हुए भाषण दिया था। वहीं राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और सरकार ने 24 मार्च को 24 घंटे के अंदर संसद की सदस्यता रद्द कर दी है। खबर बाढ़ से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र की सरकार के लोकतंत्र विरोधी प्रयासों को लेकर अभियान शुरू करेंगे। बता दें कि इस अभियान में आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। वही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश के पीएम ने एक स्लोगन दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उनके स्लोगन को मूर्त रूप देने का प्रयास राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर सरकार से उन विषयों को स्पष्ट करने को कहा जो अडानी पर आरोप लगे हैं, जिसके बाद सरकार तिलमिला गई और पूर्ण प्रक्रिया के अनुपालन के बगैर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। राहुल गांधी, आप सब देखे हैं कि उस यात्रा में कैसे कैसे राहुल गांधी जी ने लोगों का साथ मिला भी और लोगों के साथ गए भी, तो एक भ्रामक पिक्चर देने की तैयारी में सत्ता पक्ष जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए कुर्बानी दिया है और देश के आमजनों के लिए हर वक्त तत्पर है और खड़ा रहेगी कदम से कदम मिला के। कांग्रेस भारत के लोगों के लिए वो हर काम आंदोलन करेगी जिससे भारत के लोगों को आबाद को दबाया नहीं जा सके। हम विपक्ष में हैं तो देश की भूमिका में का निर्वहन कड़े ढंग से करेंगे, चाहे इसका परिणाम जो। आपका क्या सर? सत्येंद्र बहादुर, पटना ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बाढ़ के पूर्व प्रत्याशी। रोहतास में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के पर्व पर कई पूजा समिति और बजरंग दल ने भव्य शोभा यात्रा के साथ ही जुलूस निकाला। वह शोभा यात्रा का नेतृत्व समितियों के अध्यक्षों ने किया। इस दौरान सड़कों पर भारी जन सैलाब भी नजर आया। इस दौरान युवाओं ने लाठी डंडे और तलवार जैसे पारंपरिक शस्त्रों से जमकर प्रदर्शन किए। वही रथ पर निकली राम दरबार की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही।
नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी का जुलूस बेहद ही धूमधाम से निकाला गया। इस दौरान हिंसा भी देखने को मिली, जिसके बाद पटना प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि बिहार शरीफ पहुंचे, साथ स्थिति का जायजा लिया। वही डीएम शशांक शुभंकर ने लोगों से अपील की कि वो लोग अफवाह पर ध्यान न दें, माहौल शांतिपूर्ण है और जो भी लोग बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही पूरे जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। देखिए, अभी डीएम साहब ने आपको विस्तार से बता दिया है, हम लोग अभी हमारा पूरा प्रयास है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और अपील कर रहे हैं हम लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। 144 जैसा आपने सुना कि लागू कर दिया गया है, कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया है लेकिन अभी संख्या मेरे पास नहीं है तो हम लोग उसको देख लेते हैं और हम लोग अभियान चलाएंगे, चिन्हित करके जो भी दोषी हैं सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है और संपत्ति को जलाने का प्रयास किया है सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, जिन लोगों ने भी डिस्टर्ब किया है सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है और पूरे शहर में 144 लगाया गया है, सब लोग अपने घरों में रहें और प्रशासन को सहयोग करें शांति बनाए रखने में। सर, घटना क्या घटी थी? सर देखिए, घटना पूरा डिटेल हम लोग सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी से निकलवा रहे हैं, एग्जैक्ट पता चलेगा क्या घटना हुई थी और उसके आधार पर चिन्हित करके सभी जितने लोगों ने उपद्रव किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम चंपारण बेतिया में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 180 ml अंग्रेजी शराब भी बरामद की है, तो वहीं एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल रेड छपमारी के दौरान पारस पकड़ी चौक पर मुन्ना कुमार पिता आनंदी महतो जो दुबौलिया कुमारबाग के रहने वाले हैं उन्हें 5 पीस 8 PM अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसके साथ पुलिस द्वारा अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर मोतिहारी से है, जहां एक लाल ने फिर कमाल कर दिया। बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा में मोतिहारी के आयुष ने पूरे बिहार में 10वां स्थान प्राप्त किया है, तो वही परिवार सहित चंपारण में खुशी का माहौल देखने को मिला है। बता दें कि आयुष अपनी परीक्षा में कुल 476 अंक लाया है। सर, खुश तो पूरे नहीं है, हमको फर्स्ट रैंक चाहिए था लेकिन 10th रैंक के आगे और मेहनत करना है, फर्स्ट रैंक पाना है और मेहनत करना है जी। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, सफलता का श्रेय? अपने टीचर्स को और मेरी मेहनत को, मेरे पेरेंट्स को। आगे चलकर क्या बनना चाह रहे हैं? सर, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं जी। कहाँ घर हुआ भैया? सर, यहाँ पे शांतिपुरी मोतिहारी में, गाँव पड़ेगा धनहार दिवली रामगढ़वा। फादर क्या करते हैं? पिताजी किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। कहाँ खेती बाड़ी करते हैं? गांव में धनाड़ देवी। पिताजी का क्या नाम है जी? पिताजी का क्या नाम? श्री मनोज कुमार। श्री मनोज कुमार जी। देना है, खुशी की बात है, जो इसका मनोकामना है उसको पूरा करना है, यही उम्मीद रखते हैं। पढ़ने में कैसा था ये? पढ़ने में तो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मेहनत करता था। मेहनती लड़का है जी जी। किस स्कूल में पढ़ता था ये? स्कूल में, जिला स्कूल। क्या नाम हुआ आपका? रामलाल ठाकुर। आप क्या करते थे? हम होमगार्ड में थे। रिटायर कर गए? जी हाँ, 2004 में रिटायर कर गए। नालंदा में मैट्रिक की परीक्षा में बेटियों ने अपना परचम लहराया है। बता दें कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में संजू कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और संजू कुमारी की सफलता की खबर सुनते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। संजू कुमारी की सफलता से परिजन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा अर्पिता कुमारी ने पूरे बिहार में 7वां स्थान प्राप्त किया, जबकि कृष्णा कुमार ने पूरे बिहार में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। किसान है तो लगता है कि IAS बन पाएंगे? जरूर बन पाएंगे, अगर मेहनत करेंगे तो पापा भी मेरे पीछे जरूर। मेहनत के बदौलत IAS बन रही है ना? मम्मी क्या करती हैं? गृहिणी है। गृहिणी है। भाई कितने हैं? 2। अच्छा, और दल्लू बिगा हाई स्कूल में पढ़ाई करती है? हाँ। और उसके अलावा कोचिंग संस्थान में भी है? कहाँ पर? हिलसे में? अच्छा।
किया था, घर पर अच्छे से पढ़ाई की थी। मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स का सहयोग है और मैं घर पर बहुत ही मेहनत के साथ स्टडी करती थी, जिसके कारण आज मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया है। कौन से विद्यालय से आपने मैट्रिक का एग्जाम दिए थे? राजकीय कृत उच्च विद्यालय दल्लोविगा हिलसा। क्या नाम है? मेरा अर्पिता कुमारी। बिहार के सहरसा में कटैया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सपटियाही प्राथमिक विद्यालय अंगनवापुर और उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सिसाई विद्यालय में कई तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हैं। पड़ताल में सतर कटैया प्रखंड के 3 स्कूल की बड़ी गलती सामने आई है, जहां यहां ना तो छुट्टी के समय निर्धारित है और ना ही बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज होती है। साथ ही ऐसे स्कूलों में सिर्फ कागजों पर ही मिड डे मील सीमित हो गए हैं। तो विद्यालयों में गड़बड़ी की तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि लगातार ये दावा किया जाता है कि सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, लेकिन ना तो स्कूलों में आने जाने का टाइम निर्धारित है और ना ही बच्चों को मिड डे मील जैसा लाभ मिल पा रहा है। ये तस्वीरें सहरसा के एक सरकारी स्कूल की है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए, तो वहीं शोभा यात्रा में भगवान श्री राम हनुमान समेत कई देवी देवताओं की झांकियां भी बनाई गई। पहली बार इस शोभा यात्रा में वीरांगना युवतियां तलवार लेकर शामिल हुई, जो इस शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी रही। आज जुम्मा का नवाज भी है सर, उसके लगी का मस्जिद वगैरह भी हम लोगों ने विशेष किया है। जुम्मा का नमाज लगा टाइम खत्म हो गया है, मस्जिद का नमाज निकाली जा रही है, तो क्योंकि बिहार शरीफ में बहुत ही भव्य शोभा यात्रा हर बार की तरह इस बार भी निकाला गया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। भगवान श्री राम के प्रति उनका लगाव है और उनका आशीर्वाद है कि इतनी भव्य शोभा यात्रा आज बिहार शरीफ में निकली है। किनके द्वारा निकाला गया? इसमें विभिन्न विभिन्न बहुत सारे लोग हैं, जो गली मोहल्ले से हर वार्ड में सभी का अपना अपना सहयोग है, उसी के सहयोग से आज ये भव्य शोभा यात्रा निकल गई है। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक? शोभा यात्रा ये जाएगी बाबा मणिराम अखाड़ा तक और विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए ये हॉस्पिटल चौराहे से लेकर बाबा मणिराम अखाड़ा तक जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर मसौढ़ी से है, जहां सड़कों पर सैनिक के सम्मान में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से मसौढ़ी की धरती गूंज उठी। बता दें कि मनीचक के रहने वाले सैनिक बहुत लंबे समय के बाद मसौढ़ी पहुंचे, जहां उनके सम्मान में करीब सैकड़ों की संख्या में युवकों ने सड़कों पर बाइक रैली निकाली है। बता दें कि रैली मसौढ़ी के कर्पूर चौक से प्रारंभ होकर अनुमंडल चौराहा तक गई है। वही रैली का नेतृत्व समाज सेवी नवल भारती द्वारा किया गया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सकरा थाना क्षेत्र में एक चिमनी का मयान गिरने से हड़कंप मच गया है, तो वहीं मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। और जानकारी के मुताबिक चिमनी का मयान गिरने से एक महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक महिला रांची की रहने वाली बताई गई है, जिसकी सूचना के बाद पहुंचे पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने एक लूटकांड के बाद हुई मौत की गुत्थी को सुलझा दिया है। साथ इस घटना को अंजाम देने वाले चार शातिर अपराधियों को अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है। वही गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू, लूट की बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। वहां पर साढ़े नौ बजे दो कर्मी जो जियो मार्ट में काम करते थे, वो लौट करके आ रहे थे। उसमें दरमियान में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके साथ लूटपाट किया गया था। उनका मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन लिया गया था। विरोध करने पर उनको चाकू से मार करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था, जिसकी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई। इस कांड को उद्भेदित करने के लिए पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था, और मेरे यहाँ आने के बाद उनका बल विशेष जोर था कि इस कांड का उद्भेदन हो। हम लोगों ने इस कांड में शामिल सभी अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की है। खबर मोतिहारी से है, जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। बता दें कि जन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रशिक्षण का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने फीता काटकर किया। वहीं सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी मधु कुमारी ने बताया कि ब्यूटिशियन, डेटा ऑपरेटर और सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 120 बच्चे बच्चियों और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिलाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर प्रशिक्षण में 120 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ था। उनका आज उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा उद्घाटन किया गया है और जन शिक्षण संस्थान के निदेशक महोदय श्री दिनेश कुमार के द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्यों को विस्तार से बताया गया। कितने बच्चों का है और कितने दिन का है? 120 बच्चों का है और 3 महीने का प्रशिक्षण है। थोड़े सक्रिय होकर के चीज़ों को सीखें, ताकि आपके हुनरमंद होने से निश्चित रूप से आपको स्वरोजगार मिल सकता है, कहीं जॉब लग सकती है, और एक हुनर ऐसी होगी कि आप अपने से भी कुछ अच्छा कार्य करा सकते हैं, अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। यही मैंने कहा है। कितने बच्चों का है? 120 किलो का। थैंक यू। सहरसा पब्लिक स्कूल के 8वें स्थापना दिवस पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के लिए सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा है। शिक्षा और संस्कार की बदौलत कोई भी नायक बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा स्थायी संपत्ति है, विद्या कभी घटने वाली नहीं है, न इसे कोई चोरी कर सकता है, न इसे कोई छीन सकता है। वह इसके बाद स्कूल के निदेशक ने मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया है। इस बार जो मेरा रिजल्ट एनिवर्सरी बच्चे सबका था, उसके बाद सहरसा पब्लिक स्कूल 2015 से काम कर रही है। इस वर्ष जो कोविड के कारण मेरा फर्स्ट एनुअल फंक्शन था और 2015 से विगत था, लेकिन 8वां स्थापना दिवस हम मनाया है। जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो नए भी पढ़ते हैं, आज के दिन नामांकन भी निःशुल्क होगा। जो कोविड के काल जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, उनको हॉस्टल प्लस स्कूल में भी शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट परिवार के सबसे बड़े नायक इंजीनियर राजेश को दिल से बधाई देता हूं कि आप बच्चे को प्रोत्साहित करते रहें,
समाज में प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है, जरूरत है कि उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने की जरूरत है। और इसमें हमारे सहरसा पब्लिक स्कूल बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, आगे बढ़ा रही है बच्चों को। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुपौल के छातापुर प्रखंड में जहां मीडिया संवाददाता ने कई पंचायत भ्रमण कर ग्राम पंचायत के मुखिया और मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिनिधि से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की और उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना को लोगों तक पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से सरकार की ये जल नल योजना फेल साबित हो रही है। लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उसके बाद खास करके एकदम रोड सटा करके लोगों की जब जो पाइप दिया गया है वो ठेकेदार के द्वारा किया गया है, उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। कहीं कहीं लोग खुटा काटते हैं, मवेशी के लिए कुछ के लिए पाइप कट जाता है, ये पाइप कटने की समस्या बराबर आती है, इसलिए बाधित रहता है। इसके लिए आप सर विभागीय पदाधिकारी को मतलब कोई मतलब दिए हैं जानकारी? बहुत बार जानकारी दे दिए हैं विभागीय पदाधिकारी, अभी का समय में विभागीय पदाधिकारी मुखिया के नहीं सुनते हैं 100% हम कह रहे हैं, मुखिया का अब कोई बात नहीं सुनते हैं। कौन किसके पास जाएं हम लोग, सब जो है कर्मचारी के बड़े पदाधिकारी के पास जाइए, छोटे कर्मचारी का शिकायत कीजिए, उन्हीं का मदद करते, प्रतिनिधि का मदद नहीं करते। सहरसा जिले में इस बार के बिहार बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षा में पूरे बिहार में मिट्टी कुमार ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। वह मिट्टी कुमारी ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने दादाजी और शिक्षकों को दिया और टॉप 10 में जगह बनाने पर मिट्टी कुमारी के पूरे परिवार ने उन्हें मिठाई खिलाकर आशीर्वाद भी दिया है। खबर गया से है जहां वजीरगंज प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रॉफी पर मार्गदर्शन क्रिकेट क्लब वजीरगंज टीम का कब्जा हुआ है। वजीरगंज के श्री रामानुग्रह इंटर विद्यालय के खेल मैदान पर फाइनल मैच खेला गया। वह मैच में मुख्य अतिथि जहानाबाद के पूर्व सांसद शामिल हुए। वह मैच के बाद मुख्य अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। खेल हमारे जीवन के संपूर्ण फिलॉसफी को रखता है। सनातन परंपरा में भगवान कृष्ण ने गेंद खेलने के बहाने समाज में व्याप्त विषधरों को मचोड़ने का काम किया था, निचोड़ने का काम किया। और ये सनातन परंपरा उन मूल्यों के लिए है जो इंसानियत को, विश्व समुदाय को हिमालय की ऊंचाई से विचारों का एक नया केंद्र मानव सभ्यता को देता रहा है। और उसी है, खेल में हार और जीत नहीं होता है। पहले मैं इस फील्ड पर खेला करता था और मैं इसी स्कूल से पढ़ाई भी की है, इसलिए हमारे लिए दिल से जुड़ा हुआ है यह मामला। हमने कहा कि खेलो वजीरगंज खेलो, जिस तरीके से हमने खेला था उसी प्रकार से सभी युवाओं को मैंने, मेरा प्रयास है कि वो खेलें, बढ़िया खेलें। और मैं चाहूँगा कि आज डिस्ट्रिक्ट पर एक इसमें से कई खिलाड़ी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और हेमंत ट्रॉफी में भी खेलते हैं और मैं प्रयास करूँगा कि हमसे जहाँ तक मदद होगा उनको आगे खेलने के लिए हमारे सहरसा में अखिल भारतीय भगैत महासम्मेलन को लेकर 351 महिलाओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जो कि पूरे गांव का भ्रमण कर यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी। वही आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि बिहार के सभी जिले से लगभग 11,000 भगैत मंडली इस महासम्मेलन में भाग ले रही है, जिसके लिए रहने खाने सहित अन्य समुचित व्यवस्था की गई है। इस अखिल भारतीय भगैत महासम्मेलन का समापन 3 अप्रैल 2023 को होगा।
औरंगाबाद में नवरात्र के अंतिम दिन दशमी को शहर के विभिन्न पूजा समितियों और अखाड़ा उस्तादों ने भगवान श्रीराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली थी, जिसके बाद शोभा यात्रा सूर्य मंदिर रोड स्थित ठाकुरबाड़ी, नवाडी रोड स्थित काली मंदिर और ब्लॉक परिसर के श्री राम नवमी पूजा समिति से निकली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। वह शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे और जय श्री राम के नारे का उद्घोष किया और शोभा यात्रा में पूजा समितियों ने विभिन्न प्रकार की झांकियां भी निकाली थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी